लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि ने सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया था, तो वहीं अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदानंद सिंह ने ये अपना बयान दिया है। जगदानंद के बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है, तो आइए जानते हैं किसने क्या कहा। सरकारों ने चाहे आस्था होती जो धर्म एक आस्था की चीज है, उसी को व्यवस्था बनाने चलोगे और वक्ति गांव की व्यवस्था हो जाएगी तो करोड़ों करोड़ों लोगों का ये भारत के पीछे चला जाएगा। पूछो मनमो से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ, क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने गरीबों को पूछने वाला था, क्या उस समय कोई गोली खा रही थी, क्या उस समय झाड़ू पोछा रही थी, क्या उसमें डॉक्टर रावण और भैया थे, किले में बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। आरएसएस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान में भारत को बांटने से काम नहीं चलेगा, बना लो मंदिर और तोड़ दो मस्जिद, इससे भारत नहीं चलेगा। जगदानंद सिंह के बयान पर तंज कसते हुए भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि आज भी सावन के महीने में भी कुर्सी और सत्ता के लिए जानवरों का मांस पकाया जाता है। आदरणीय जगदानंद सिंह जी, भारत को गुलाम बनाया था वैसे टीकाधारी लोग जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए और राज के लिए सब कुछ अपना जमीर से लेकर के जागीर से लेकर के धर्म तक बेच दिया, उसी तरह से आज भी सावन के महीने में जानवरों का मांस पकाया जाता है और खाया जाता है कुर्सी और सत्ता के लिए। जांच का विषय यह है कि वो किस जानवर का मांस था, और पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए नकली जनेऊ और नकली बाइबिल पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों से इस देश को सावधान रहना पड़ेगा। वहीं एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष डिमेशिया के शिकार हो गए हैं। आज घमंडिया गठबंधन के नेताओं में भारतीयों का सम्मान के प्रति चिन्हों का अपमान करने में होड़ मची है। राजद के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डिमेशिया के शिकार हो गए हैं। इतिहास की किताबें कहती हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था एक निर्णायक युद्ध था, जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा के भारत पे अपनी हुकूमत कायम की थी, और उससे पहले मुगलों का शासन था। तो क्या मुगल शासक और नवाब टीका लगाते थे? आज घमंडिया गठबंधन के नेताओं में होड़ सी मची हुई है कि जो भारतीयों का सम्मान का प्रतीक चिन्ह है, चाहे सनातन धर्म हो, अब टीका हो या देश का नाम हो, सबका अपमान किया जाए। वहीं भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने जगदानंद सिंह के बयान पर कहा कि भारत को आजाद करने में टीका अधिकारियों का योगदान स्थापित है, जगदानंद लालू के साथ रहते रहते इतिहास भूलने लगे हैं। जगता बाबू, लगता है कि मौलाना लालू के संसर्ग में आप भी अब इतिहास भूलने लग गए हैं। चाहे तुर्कों से संघर्ष हो या ब्रिटानियों से लड़ाई हो, इन टीका चंदन लगाने वालों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अद्वित है। आप कैसे भूल सकते हैं अमर शहीद मंगल पांडे को, टीकाधारी मंगल पांडे, टीकाधारी पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब चंदन टीकाधारी अपनी प्राण की आहुति देकर के भारत माँ को दासता की बेड़ियों से मुक्त कराया है इन लोगों ने। वहीं जगदानंद के बयान पर आरएलजेपी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि राजद नेता जगदानंद सिंह इस तरह का बयान लगातार देते रहे हैं, मंडल बनाम कमंडल की बात करते हैं, वे बराबर हिंदू विरोधी बयान देते हैं। जगदानंद तो इस तरीके का बयान लगातार देते आए हैं, 85 बनाम 15 की बात करते हैं, मंडल बनाम कमंडल की बात करते हैं, और बराबर सनातन विरोधी हिंदू विरोधी बयान देते हैं। अभी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का बिहार आगमन हुआ था, तो जगदानंद सिंह का बयान था कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय जनता दल तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करती है और सनातन विरोधी हिंदू विरोधी बयान देती है, और यह समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को इससे फायदा की जगह नुकसान होगा, क्योंकि इनके जो नेता हैं बराबर समाज में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ आरएलजेडी के प्रवक्ता
राहुल कुमार ने कहा कि जगदानंद सिंह हमेशा विद्वांश की बात करते हैं, बिहार की राजनीति में वे अपनी जगह खो चुके हैं, इसलिए अब वे देश और बिहार को जातियों में बांटना चाहते हैं। जगदानंद सिंह हमेशा विध्वंसकारी बात करते हैं, बिहार की राजनीति में वो अपनी जगह लगातार खो रहे हैं, इसलिए देश को और बिहार को जातियों में बांटना चाहते हैं। उन्हीं की पार्टी थी जिन्होंने बिहार के अंदर पिछड़ों के सवाल पर सत्ता में आने का काम किया और उसको माई समीकरण में बदलने का काम किया। ऐसे नेता देश की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनको अपमानित करने का काम नहीं करा। देश किस वक्त गुलाम हुआ था ये सभी को मालूम है, लेकिन इस गुलाम देश को आज़ाद कराने में न सिर्फ ब्राह्मणों ने, उच्च वर्ग के लोगों ने, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों ने, मुसलमानों ने, सब लोगों ने, हर भारतीय ने इसको अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझी और इस देश के लिए शहादत देने का काम किया।